दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। यहां पे आईसीएआई की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये है आपके स्कॉलरशिप के लिए। तो यहां पे फिलहाल में स्कॉलरशिप के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, प्लस साथ में मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो रखे हैं। अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट देना, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, घर बैठे इंडिया के किसी भी कोने से घर बैठे आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट में रजिस्टर करने का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको भी अनाउंसमेंट दिखाता हूं, यहां पे आपको जाना है स्टूडेंट का सेक्शन में, देन आपको जाना है बोर्ड ऑफ स्टडीज अनाउंसमेंट। बोर्ड ऑफ स्टडीज अनाउंसमेंट में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप फॉर सीए स्टूडेंट्स 20th of August 2019 की अनाउंसमेंट है। चलिए देखते हैं अनाउंसमेंट को। तो दोस्तों ये रही स्कॉलरशिप के लिए अनाउंसमेंट। सीए स्कॉलरशिप लिखा हुआ है यहाँ पे सीरियल नंबर 1 और यहाँ पे स्कॉलरशिप की कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी यहाँ पे है मेरिट कम नीट, लिखा हुआ यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ रैंक होल्डर्स अदर देन कवर्ड अंडर मेरिट कैटेगरी। एज पर स्कॉलरशिप मेरिट कैटेगरी जो होती है वो होती है 1 से लेकर के 10 तक। तो अगर किसी स्टूडेंट की रैंक जो है 11 से लेकर के 11th रैंक से लेकर के और 50th रैंक या उसके बीच में है तो वो यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन की जो इनकम है वो होनी चाहिए 2.5 लाख या उससे कम। ये है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट और ये है नीड बेस्ड एंड वीकर सेक्शन। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कि अभी आईपीसीसी मींस आईपीसी और इंटरमीडिएट न्यू कोर्स में या ओल्ड कोर्स में रजिस्टर्ड हैं और उनके पेरेंट्स और गार्जियन की जो टोटल इनकम है 2 लाख या उससे कम है। जो यहाँ पे अमाउंट है ये मिलता है 1250 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद का जो पॉइंट है, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फाइनल में रजिस्टर्ड हैं और उनके पेरेंट्स की या गार्जियन की इनकम 2 लाख या उससे कम है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है, यहाँ पे अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी सीए आईपीसीसी कर रहे हैं या सीए फाइनल कोर्स में रजिस्टर्ड हैं और वो सन या डॉटर हैं डिसीज्ड मेंबर ऑफ आईसीआई जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। उनके लिए भी जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है 1250 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी रैंक आएगी, क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट आईसीआई का डिक्लेयर नहीं हुआ है सीए इंटरमीडिएट के लिए, तो जिनकी भी रैंक आएगी 1 से लेकर के 10 या उसके बीच में, उनके लिए आईसीआई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा एट द रेट ऑफ ₹2000 पर मंथ। ये मई 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मई 2019, जिसका भी रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है, लेकिन आईसीआई ने थोड़े दिनों पहले 2-3 दिन पहले ही ये अनाउंसमेंट कर दी है। जो अनाउंसमेंट है इसका लिंक मैंने शेयर करके डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी हम बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आप देखेंगे एक लिंक गिवन है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक तो स्कीम का ऑप्शन है और दूसरा है फॉर्म्स का। स्कीम पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ और भी अगर आपको डिटेल जाननी है इसके बारे में तो वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार फॉर्म्स दिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करना है फॉर्म्स पे। ये रहे फॉर्म्स जो कि आपको भर के भेजने हैं और ये स्कॉलरशिप के फॉर्म्स हैं, तो आपको फिल करना है। यहाँ पे टोटल 4 फॉर्म्स हैं, फॉर्म नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फॉर्म्स आपको फिल करना है। सबसे पहले तो आपको फिल करना है फॉर्म नंबर 1। फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्म नंबर 2 है। फॉर्म नंबर 2 में आपको पार्ट नंबर 1 फिल करना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है। अगर अभी आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको भरना है पार्ट नंबर 2, अदरवाइज आपको भरना है पार्ट नंबर 3। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे है फॉर्म नंबर 3। तो फॉर्म नंबर 3 थोड़ा सा और भी ज़्यादा डिटेल्ड है, इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, सारे के सारे आपकी डिटेल्स हैं, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। ये सभी लोगों के लिए है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों के लिए फिल करना है फॉर्म नंबर 3। इसके बाद आपको आना है फॉर्म नंबर 4 पे। फॉर्म नंबर 4 पे आपको यहाँ पे है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। इसमें से किसी एक पार्ट को आपको फिल करना है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपकी आर्टिकलशिप चल रही है तो आपको फिल करना है पार्ट नंबर 1, अगर आपकी आर्टिकलशिप नहीं चल रही है तो यहाँ पे आपको फिल करना है पार्ट नंबर 2, और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सन और डॉटर हैं डिसीज्ड मेंबर ऑफ आईसीआई के, तो यहाँ पे इनको भरना है पार्ट नंबर 3। यहाँ पे आप देखेंगे जो फॉर्म नंबर 3 है, तो फॉर्म नंबर 3 में कुछ आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट नंबर 10, 11 एंड 12, तो जो भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट्स की डिमांड की गई है तो डेफिनेटली आप सर्टिफिकेट्स अटैच कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि स्कॉलरशिप की हैं, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा अनाउंसमेंट में, इसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में। आपको भेजना कहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस आईसीआई का,
यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूली कंप्लीट एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज मेंशनड अबव शुड रीच द डायरेक्टर बोर्ड ऑफ स्टडीज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीआई भवन A29 सेक्टर 62 नोएडा 201309। जो एप्लीकेशन है पहुंच जानी चाहिए आईसीआई को 30th of September 2019 या उससे पहले पहले। अगर कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए इसके बारे में, कुछ और भी आपको ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए, तो यहाँ पे कुछ टेलीफोन नंबर्स गिवन है, टेलीफोन नंबर्स हैं प्लस साथ में यहाँ पे ईमेल आईडीज भी गिवन है। इस टेलीफोन नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं और यहाँ पे जो ईमेल आईडी है इस पे भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो फिलहाल में ये रही अनाउंसमेंट स्कॉलरशिप के लिए। वीडियो यहीं तक की है, वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।